हेलो पेरेंट्स, हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आई हूँ न्यू एक्टिविटी के साथ, और ये एक्टिविटी है 3+ ईयर ओल्ड बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे 3 साल के हैं या उससे बड़े हैं तो आप अभी उन्हें ये एक्टिविटी करा सकते हैं। ये मैथमेटिक्स रिलेटेड एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मैं सिखाऊंगी शेप्स, तो इसे आप DIY एक्टिविटी भी कह सकते हो या फिर फन विथ लर्निंग भी कह सकते हो। तो जैसा कि हमें पता है कि 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, जैसे शेप्स सीख जाते हैं, कलर्स पहचानना सीख जाते हैं, अल्फ़ाबेट सीख जाते हैं, नंबर्स सीख जाते हैं। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे जैसा हमें पता है कि सारे स्कूल्स, सारे प्री स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं या बंद हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एंगेज करने के लिए टॉडलर्स के जो पेरेंट्स हैं या फिर बड़े बच्चों के भी, उन्हें कुछ कुछ चीज़ों में उन्हें एंगेज करना पड़ता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये एक्टिविटी अपनी डॉटर के साथ किया। मेरी डॉटर 3 ईयर्स की है और उसने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये एक्टिविटी बहुत बेसिक सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें क्ले चाहिए, या फिर क्ले नहीं है आपके पास तो आप आटे का डो भी ले सकते हैं, और हमें कुछ स्टिक चाहिए। तो मैंने झाड़ू की स्टिक ली। अगर आपके पास टूथपिक है तो आप टूथपिक भी ले सकते हो। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपको एक पेपर पे आपको सारे शेप्स ड्रॉ करने होंगे और अपने बच्चों के साथ बैठना होगा, और उन्हें आपको थोड़ा हेल्प तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी आप लोगों के लिए एक पेपर पे बना के रखा हुआ है, तो मैं अपने वीडियो को टर्न करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पेपर पे शेप्स ड्रॉ किया हुआ है, तो आप भी इस तरह पेपर पे शेप्स ड्रॉ कर लें, और उसके बाद अपने बच्चों को आप स्टिक्स और क्ले या फिर आटे का डो का बोल बना के उन्हें देंगे, और बच्चे सिंपली बच्चे को ये समझाएं कि ये जो बॉल है ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टिक्स जो है वो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और सिंपली ये स्टिक्स को इस बॉल के अंदर हमें घुसाना है इस तरह से, ये 3 साइड्स। तो इसमें बच्चे, उन्हें मज़ा भी आएगा, वो देखेंगे भी कि अरे मैं ट्रायंगल बना पा रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए, इस तरीके से आप पेपर के ऊपर रख के और उन्हें ये सिखाएंगे। मैं वीडियो और इन दोनों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से ज्वाइन करके इसको जहाँ पे पेपर पे आपने शेप बनाया वहाँ पे रखेंगे, और बच्चे को उसी तरीके से सिखाएंगे, और बनाते टाइम उन्हें ये बताएंगे भी कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ वर्टेक्स, और ये लंबे वाले जो स्टिक्स हैं वो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे उन्हें ये पता चलेगा, उन्हें ये सिखाएंगे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। इस तरीके से आप सारे शेप्स को बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरी डॉटर ने बनाया, एकदम परफेक्ट तो नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट शी ट्राइड एंड शी नाउ रिकॉग्नाइज ऑल द शेप्स वेरी वेल। आप जब ये कंप्लीट करेंगे एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ, तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वो शेप्स को बहुत अच्छे से पहचानने लगेंगे। उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि किस शेप में कितने वर्टेक्स हैं, कितने साइड्स हैं। इवन जो बड़े बड़े शेप्स होते हैं, जैसे हेप्टागन है या फिर ऑक्टागन है, हेक्सागन है, ये बड़े बड़े बच्चों को भी दिक्कत होती है याद करने में कि उसमें कितने साइड्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं। बट ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये बहुत फास्टली ग्रो कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन बहुत बहुत ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा वो ग्रास्प कर सकते हैं इस टाइम पे, तो उन्हें बहुत फास्टली ये याद हो जाता है। जैसे अब मेरी डॉटर को ये याद हो गया है कि हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी उन बच्चों को काफ़ी मदद करेगी, और वो इन्जॉय भी करेंगे, क्योंकि इसमें ये कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जब बच्चे कुछ चीज़ें यूज़ करके, इधर आटा है या फिर क्ले है, यूज़ करके कुछ बनाते हैं, तो उन्हें भी बड़ा खुशी मिलता है। इवन आप देखो, आप खुद भी जब वो कराओगे उन्हें, तो आपको भी ये बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे मतलब थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज़ करके काफ़ी कुछ बच्चे ने सीख लिया। तो आप ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद उसका पिक्चर लें अपने बच्चे के साथ, और मुझे टैग ज़रूर करें इंस्टाग्राम पे @craftpitara CRAFTPITARA। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये हेल्पफुल लगा या नहीं, आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लें। मैं आगे और भी बच्चों से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी, और मैं वीकली 1 स्टोरीज़ का भी वीडियो लाऊँगी। थैंक यू सो मच।
जी देखिए, उठा के दिखाइए। बहुत अच्छे।